उनकी माए रो रही हैं, उनके परिवार वाले अगर रो रहे हैं, बच्चों के भविष्य को अधर में लटकता देखकर अगर उनकी माए रो रही हैं तो उनके आंसू पोछने वाला कौन है? तो किस तरीके की महिलाओं की सुरक्षा भैया? इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम है भाई। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति पहले भारतीय है, फिर किसी जाति का है, फिर किसी धर्म का। ऐसे नेता जो जात पात धर्म की राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने का प्रयास करते हैं। तो आप मुझे बताएं ना, किस तरीके की महिला सुरक्षा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात कर रहे हैं? यहाँ पर बिहार में जितनी महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं, महिलाओं का बिहार में जितना अपमान मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए हुआ है, इतना शायद इतिहास में कभी। बस ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी सरकार बने वो जनता की हित की सरकार हो, जनता की भावनाओं को समझने वाली है। बट क्योंकि जांच नहीं होती है, ईमानदार जांच नहीं होती है, सत्य तथ्यों के साथ सामने नहीं आता है, इसीलिए अपराधी छूटते रहते हैं निरंतरता में। ब्लास्ट क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कहाँ लापरवाही हुई, ये तमाम बातें जाँच का विषय। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुए, परिणाम 10 तारीख को आएंगे, क्या कुछ माहौल लग रहा है भाई? माहौल का जिक्र पहले करना, कहीं ना कहीं आप प्रदेशवासियों की बुद्धि विवेक को चुनौती देते हैं। मुझे लगता है मतदान सातो चरण में हुआ है, लोगों ने सोच समझ के अपना मत का प्रयोग उन्होंने किया है, और बस ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी सरकार बने वो जनता की हित की सरकार हो, जनता की भावनाओं को समझने वाली सरकार। बीजेपी जीत रही है भाई, एग्जिट पोल पे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी अक्सर नहीं करता हूँ। बहरहाल बीजेपी जीते या कोई भी दल जीते, जैसा मैंने कहा कि वहाँ पर जनता की भावना को समझने वाली सरकार बननी चाहिए। खुद की मजबूती को लेकर क्या कहेंगे, वहाँ पे आप भी कैंडिडेट उतारे हुए थे कई जगहों? नहीं बिल्कुल, हम लोगों ने भी कुछ जगहों पे अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार हम लोगों ने वहाँ पर उतारे। हम लोगों का प्रयास अपने जनाधार को बढ़ाने का है उत्तर प्रदेश में, और आने वाले समय में जिस तरीके से बिहार में पार्टी का संगठन और जनाधार हम लोग हर बीते दिन के साथ मजबूत करते जा रहे हैं, यही प्रयास इसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, विभिन्न और राज्यों में भी हम लोग कर रहे हैं। बिहार में एमएलसी के चुनाव होने हैं, आपके जो कैंडिडेट हैं उनकी मजबूती की बात करेंगे, और हाजीपुर से कौन लोग होंगे आपके पार्टी के? कौन पीछे? सिर्फ हाजीपुर अलग से नहीं, हम लोग लगभग 10-11 सीटों पर, जो मुझे जानकारी प्रदेश के संसदीय बोर्ड द्वारा दी गई है और प्रदेश की राज्य इकाई द्वारा दी गई है, 10-12 सीटों पर हम लोग अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से संभवतः कई नामों पर चर्चा होकर उनका चयन कर लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ दिन पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी ने 5 ऐसे नामों की सूची भी उन्होंने साझा की है, और आने वाले 1-2 दिनों में बाकी के भी नाम साझा कर। एक अंतिम सवाल, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस दौरान एक बयान को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है, बीजेपी के विधायक ने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहिए, इसको लेकर विपक्षी दल काफ़ी ज़्यादा नाराज है और हर दिन जो है वो हंगामा चल रहा है सदन। शर्मनाक बयान है ये, इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम है भाई। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति पहले भारतीय है, फिर किसी जाति का है, फिर किसी धर्म का। ऐसे नेता जो जात पात धर्म की राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी ऐसे बयान को संज्ञान में लें और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करें। उनकी माएँ रो रही हैं, उनके परिवार वाले अगर रो रहे हैं, बच्चों के भविष्य को अधर में लटकता देखकर अगर उनकी माएँ रो रही हैं तो उनके आंसू पोछने वाला कौन है? तो किस तरीके की महिलाओं की सुरक्षा भैया? यहाँ पर महिला छोटी छोटी बच्चियों के साथ बालिका सुधार गृह में बलात्कार किया जाता है, उनको देह व्यापार में उनको घसीटा जाता है। तो आप मुझे बताएं ना, किस तरीके की महिला सुरक्षा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात कर रहे हैं? यहाँ पर बिहार में जितनी महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं, महिलाओं का बिहार में जितना अपमान मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए हुआ है, इतना शायद इतिहास में कभी। बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? तमाम व्यवस्थाओं को लगातार जो है आए दिन घटनाएं जो है अलग अलग जगहों पर। बहरहाल भागलपुर अभी मैं जाऊंगा, जानकारी है मुझे, वहां पर जाकर और ज़्यादा जानकारी सामने आएगी, पर वही जांच का विषय है। उम्मीद है कि बच्चों जिन्होंने बयान दिया था कि जो है वोटिंग अधिकार के लिए, हालांकि उन्होंने अपने कई
इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।